हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक टिप बताने वाला हूँ गैलेक्सी मोबाइल के लिए। अगर आप एक सैमसंग गैलेक्सी यूजर हैं तो ये वाली जो टिप बताने वाला हूँ बहुत ही काम की है दोस्तों। आपको बताओ होगा सैमसंग गैलेक्सी में जो कि बैकग्राउंड में जो ऐप चलती है, बैकग्राउंड में ऐप चलती है तो मोबाइल स्लो होता है और बैटरी भी खाती है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि कितनी ऐप्स हमारे बैकग्राउंड में रन कर रही हैं और उनको कैसे स्टॉप करें, ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा। बहुत ही सिंपल स्टेप बताऊंगा जिससे आप इजीली उसको क्विकली कर पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप फाइंड कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में कितनी फालतू की ऐप्स जो कि बैकग्राउंड में रन कर रही हैं जिससे आपके मोबाइल की स्टोरेज या मोबाइल की रैम और मोबाइल की बैटरी वहां पर जा रही है। तो उसको आपको करने के लिए क्या करना है, यहाँ से जब आप रिसेंट विंडो खोलेंगे तो आप यहाँ पर रिसेंट विंडो वाला खोलते हैं तो वहां पर आपको देखेंगे, वहां पर आपको नंबर्स दिखते हैं। आपको दिख रहा होगा ये नंबर्स अवेलेबल दिखते हैं। अभी जैसे 3 दिख रहा है आपके पास, हो सकता है 2 दिख रहे हो या आपके पास 1 दिख रहा हो। तो जैसे ही आप इन नंबर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा चेक बैकग्राउंड एक्टिविटी, दिस एप्स एंड सर्विस आर एक्टिव वाइल रनिंग इन बैकग्राउंड। तो ये जो एप्स है ये आपके बैकग्राउंड में रनिंग हो रही है और आपके मोबाइल की बैटरी और रैम को खा रही है। अब जिनको आपको स्टॉप करना है सिंपली यहाँ पर क्लिक करें, स्टॉप, वो स्टॉप हो जाएगी। आपको दिख रहा होगा जैसे स्टॉप लिखा हुआ है, अब मैं जैसे क्लिक करूंगा स्टॉप हो जाएगी, उसको डन कर दूंगा। फिर आप देखेंगे अब आपको एक दिखाएगा क्योंकि मैंने 2 को स्टॉप कर दिया, अब वो 1 रह गया। तो आप इस तरीके से इंस्टेंटली अपने बैकग्राउंड ऐप्स को चेक कर सकते हैं और तुरंतली उसको ऑफ कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल स्टेप है, आपको यहाँ क्लिक करना है जो भी दिख रही हो आपको उस पर क्लिक कर देना है, देन वो स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से ये फीचर काम करता है, बहुत शानदार चीज़ है। बहुत लोगों को लगता है यार कि इसका मतलब क्या है, बहुत क्विकली आप कर पाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ बैकग्राउंड ऐप की परमिशंस देखनी है या जो भी देखना है तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर सेटिंग्स पे। इसके अलावा भी और भी देखना हो तो उसके लिए जाना है आपको सेटिंग्स पे। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर बैटरी वाले ऑप्शन पे। बैटरी वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर बैकग्राउंड यूजर्स लिमिट्स पे। तो सारी बैकग्राउंड ऐप मिल जाएंगी आपको, जिनको इनेबल करना है जिनको ऑफ करना है सब यहाँ पर आप कर सकते हैं। बुट न्यूज डॉप ऐप ये, और जिनको आपको बैकअप के लिए होल्ड करना है तो यहाँ पर आपको स्लीपिंग ऐप्स में, उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर नेवर ऑटो स्लीपिंग ऐप पे। यहाँ चले जाना और यहाँ पर उस ऐप को डाल देना है जिसको आपको चाहते हैं कि उसका कभी भी बैकग्राउंड ऑफ ना हो, तो उसको यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद वो कभी भी ऑफ नहीं होगी, आपको यहाँ पर ऑफ करके ऐड कर देना है तो वो कभी भी स्लीपिंग मोड पे भी नहीं जाएगी और आपका बैकग्राउंड में डेटा वो यूज़ करते रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और सबसे ईजी मेथड तो यही है, यहाँ फाइंड करो और यहाँ से आप स्टॉप कर देंगे तो आपका बैकग्राउंड डेटा बंद हो जाएगा। दोस्तों ये एक छोटी सी टिप्स थी, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर डीएम करके पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लेना। तो थैंक यू।